बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी एक प्लांट पॉट। डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स में मेरे पास ये प्लांट्स हैं। विंटर में मैंने अंदर रख लिए थे। प्रॉपर एक गमले में इन सबको करूंगी अच्छा सा बनाकर। चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनकी सॉइल चेंज करूंगी और इनको एक ऐसा पॉट बनाऊंगी कि ये खूबसूरत लगे, क्योंकि ये एक एक दो दो प्लांट्स हैं इतने बड़े गमलों में। इनको हम निकाल लेंगे और एक जगह सबको पहले रख देंगे। फिर इनकी सब सॉइल को एक जगह करूंगी और रिपॉट करूंगी सॉइल को और प्लांट को। इस तरह से ये पॉट खाली हो गया। पॉट में से इस प्लांट को निकालेंगे। इसी सॉइल को यूज़ करूँगी। एक पॉट ले लें बड़ा, जिसमें आपको ये सारे प्लांट्स लगाने हो। रिपॉटिंग करते हो प्लांट्स को मैंने अलग अलग कर लिया है। ये इस मैंने मिट्टी फेंक दी है, इसमें से ये रूट्स जो निकली हैं फेंक दी हैं। येलो लीव्स को हम फेंक देंगे। इन सब पॉट्स को अलग कर दिया है। एक पॉट करूँगी इन सारे प्लांट से। सबसे पहले जो पीले पत्ते हैं उनको अलग कर लें, निकाल लें। जो ब्राउन और येलो हो गए हैं, इसकी रूट्स देखें यहाँ तक है। इसको यहाँ रख, इसकी हाइट के लिहाज से सही है ये पॉट। लगाऊंगी सेंटर में, इसको पकड़े रहें, थोड़ी सी सॉइल से कवर करेंगे। इसमें मैं लगाऊंगी ये प्लांट्स। दो डिफरेंट प्लांट्स हैं ये, रूट्स इनकी हैं। दो साइड्स पे लगा दें इनको। जब ब्लूम होएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अभी इनमें पत्ते आ रहे हैं। इसको सेंटर से ऐसे फिर से पकड़ेंगे और फिर से सॉइल डालूंगी। हल्के से हाथ से इसे दबा दें। हल्के से हाथ से दबाने से ये सीधे रहेंगे, जगह बना लेंगे। लगाऊंगी ये प्लांट। ट्वाइस अ ईयर मैं रिपॉटिंग करती हूँ। उससे ये होता है कि प्लांट हेल्दी रहता है। लेकिन रूट्स आ गए हैं छोटे छोटे से ही, रूट्स आ गए हैं, सिंगल सिंगल हैं। जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको अलग गमले में कर दूंगी। स्प्रिंग टाइम है, इस पर प्लांट्स लगाएं। समर में अच्छी ब्लूमिंग होती है। विंड चाइम की भी आवाज़ आ रही है। पॉट हमारा रेडी है। इस तरह से इसको एक दफ़ा यूँ कर दें और फिर हल्के हाथ से प्लांट्स को दबा दें। चार प्लांट्स लगाएं इसमें मैंने, 1, 2, 3, 4। अब इसको मैं इनसाइड ले जाऊंगी। ये सारे इंडोर प्लांट हैं। तरह से आप अपने प्लांट बना के देखें। मैंने रिपॉट किया है प्लांट को। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स थे, उनको एक जगह एक पॉट बनाया है। थोड़े से उसमें मैंने यूज़ किया मिरेकल ग्रो और फर्टिलाइज़र किया यूज़। इंडोर प्लांट्स हैं ये, बनाकर ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा प्लांट कैसा लगा। Thank you.